स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, विल कंटिन्यू नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था टेंडिंग ऑपरेशन के बारे में, राइट? और उसमें मैंने कुछ लाइक मैंने मेंशन किया था टाइप्स ऑफ टेंडिंग ऑपरेशन, वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, राइट? हम लोगों ने वीडिंग के बारे में डिस्कस किया था पिछली बार, पिछले वीडियो में। अभी हम लोग क्लीनिंग में जाएंगे। विल कंटिन्यू विद क्लीनिंग। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज क्लीनिंग? के टेंडिंग ऑपरेशन में, टेंडिंग ऑपरेशन फॉरेस्ट का ये जो मेथड है क्लीनिंग, के दिस इज़ अ टेंडिंग ऑपरेशन, के टेंडिंग ऑपरेशन मेथड। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द डेफिनेशन इज क्लीनिंग। क्लीनिंग इज डिफाइंड एज अ टेंडिंग ऑपरेशन डन इन अ सैपलिंग क्रॉप। ओके, सैपलिंग क्रॉप इन्वॉल्विंग द रिमूवल और टॉपिंग ऑफ इन्फीरियर ग्रोथ इंक्लूडिंग इंडिविजुअल ऑफ फेवर स्पीशीज क्लाइंबर्स एक्सेट्रा। सैपलिंग मतलब क्या? सैपलिंग मतलब जो यंग ट्री है, ओके, जो छोटे पेड़ है, ओके, जिनके छोटे ट्रंक्स है, ओके, जो ब्रांच है उसका छोटा है। जस्ट से के ऐसे बोल सकते हैं कि ये यंग यंग ट्री है, ओके। इसलिए इसको सिडलिंग नहीं, इसको सैपलिंग बोलते हैं, ओके। इसमें क्या होता है? क्लीनिंग होता है। क्लीनिंग इसमें क्लीनिंग कैसे होता है? रिमूवल होता है इसमें, रिमूवल ऑफ द इन्फीरियर ग्रोथ। जो इन्फीरियर मतलब जो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, उसको रिमूव किया जाता है, ओके। नॉट ओनली इन द ट्रीज बट इवन इन द क्लाइंबर्स, ओके, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, ओके, उनके जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के बेटर ग्रोथ के लिए, ओके, ताकि उसका जो जो ग्रोथ है मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से हो। तो इसलिए जो इन्फीरियर पार्ट है उस पेड़ का, उस छोटे पेड़ का, उसको रिमूव किया जाता है, ओके, फॉर अ बेटर ग्रोथ, ओके। जो कमज़ोर पार्ट है आपके यंग ट्री का या फिर छोटे पेड़ का, उसको रिमूव किया जाता है, सो इट विल ग्रो नाइसली, ओके। एंड इसके भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? सो वी विल सी द दोस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि जैसे वीडिंग के भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, राइट? उसके ऑब्जेक्ट्स क्या थे? वही जो रूट के कंपटीशन है, के जड़ों के कंपटीशन है, उसको कैसे रिड्यूस करना है, ये एक ऑब्जेक्ट है वीडिंग का। इसलिए वीडिंग किया जाता है, के इसलिए वीडिंग मेथड प्रैक्टिस होता है, ताकि कंपटीशन ना हो रूट्स रूट्स के बीच में, ओके, जड़ों के बीच में, ओके, और लाइट कंडीशन को भी इम्प्रूव करने के लिए। तो व्हाट अबाउट क्लीनिंग? सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। जो पहला मेन ऑब्जेक्ट है क्लीनिंग का, कि क्यों क्यों क्लीनिंग किया जाता है, क्योंकि इम्प्रूव करने के लिए लाइट कंडीशन, ओके, टू इम्प्रूव द लाइट कंडीशन। क्लीनिंग मतलब बहुत ये भी एक मेन मेथड है, लाइक मेन ऑपरेशन है टेंडिंग ऑपरेशन, ओके, जो इम्प्रूव करेगा लाइट कंडीशन को, ओके, स्पेशली जो आपका सैपलिंग है या फिर छोटा जो छोटा पेड़ है, राइट? ताकि जो उसकी उसका ग्रोथ है उस पर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। ये सबसे पहला ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? वो भी सेम ही है, जो वीडिंग के जो ऑब्जेक्ट है उससे, ये रिड्यूस करता है रूट कंपटीशन को, ओके।
क्लीनिंग रिड्यूस रूट कंपटीशन। इसमें जब आप क्लीनिंग जो क्लीनिंग ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करोगे राइट सैपलिंग में, तो आपका जो सैपलिंग है वो जल्दी डेवलप करेगा, ओके, इट विल डेवलप फास्टर और बेटर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई क्लीनिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्लीनिंग ऑपरेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूस द रूट कंपटीशन, जो रूट कंपटीशन है उसको रिड्यूस करता है, सो देयर बाय इनेबलिंग सैपलिंग टू डेवलप फास्टर एंड बेटर। ओके, ये क्या क्या लीड करता है, ये लीड करता है कि जो सैम्पलिंग है वो अच्छे अच्छा और मतलब बेटर डेवलप होगा और फास्टर डेवलप होगा। ओके, सो और जो ये एक्सेस फॉलिएज है, ओके, एक्सेस फॉलिएज जो है राइट उस जगह में जब आप क्लीनिंग परफॉर्म करोगे तो ये रिड्यूस भी करेगा ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस को, के जो वाटर लॉस है उसको रिड्यूस करेगा राइट। ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस फ्रॉम वेयर, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। तो ये आपके दो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लीनिंग। नाउ विल गो टू द सीजन फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ क्लीनिंग। जैसे पिछले बार भी जब मैंने वीडिंग के बारे में डिस्कस किया था कि कितनी बार आपको वीडिंग करना है, ओके, हाउ मेनी टाइम्स राइट, सो वी विल डिस्कस हियर। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसे कि क्या बेनिफिट, लाइक अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट देना है ऑलराइट, सो टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट क्लीनिंग किस सीजन में करना चाहिए। ओके, क्लीनिंग लाइक एज अ रूल इट शुड बी डन इन द सीजन, मतलब किस सीजन में, जो ग्रोथ पीरियड है ना प्लान का, ग्रोथ पीरियड में ही आपको क्लीनिंग ऑपरेशन करना है। ओके, लेकिन या सो ताकि जो अनवांटेड प्लान है वो इंटरफियर ना करे आपके मेन प्लान को, ठीक है। सो इसलिए सो ग्रोथ पीरियड में ही आपको इस सीजन में ही ड्यूरिंग द सीजन, ओके, सीजन कौन सा सीजन, ग्रोथ पीरियड वाला सीजन, उसमें आपको क्लीनिंग करना है ऑलराइट। एंड एक्चुअली जो मेन क्लीनिंग है, जो क्लीनिंग ऑपरेशन है वो एक्चुअली आपको रेनी सीजन में करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बारिश की वजह से, लेकिन बारिश के मौसम में ज़्यादा सही रहेगा अगर आप क्लीनिंग करोगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है तो इसलिए समर्स और विंटर्स में किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है क्लीनिंग का, ओके, कितने बार करना है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है जो डेंसिटी है, कितना डेंस है आपका श्रब्स, ओके, जो श्रब, अगर श्रब के बारे में हम बात करेंगे, एग्जांपल लेंगे श्रब का, तो जो फ्रीक्वेंसी है क्लीनिंग का कि कितनी बार करोगे क्लीनिंग, वो डिपेंड करता है श्रब्स के डेंसिटी में ऑलराइट, श्रब के डेंसिटी पे। श्रब, आई होप यू नो व्हाट इज श्रब राइट, हम लोगों ने इस बारे में हम लोग डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो, जो पहले वीडियो बनाया था शुरुआत में, ओके, सो वी हैव डिस्कस देयर। सो इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द श्रब, और जो रेट है ग्रोथ का, ओके, आफ्टर कटिंग, ओके, आफ्टर कटिंग्स। सो अगर आपका जो श्रब है वो बहुत मतलब डेंस है, मोटा है, ओके, बहुत घना है ऑलराइट, और बहुत जल्दी ग्रो करता है, लाइक इट ग्रो फास्टर, ठीक है, तो क्लीनिंग कितनी बार करना है, क्लीनिंग शुड बी डन एवरी ईयर, हर साल, ओके, या फिर दे आर डन एट इंटरवल ऑफ सम ईयर, लाइक यू कैन हैव गैप्स ऑल्सो इन बिटवीन, लेकिन अगर ऐसा है, अगर जल्दी ग्रो करता है या फिर बहुत घना है जो श्रब्स है, तो क्लीनिंग आप क्या लाइक आपको करना है हर साल, ओके, या फिर इंटरवल करके कुछ कुछ साल में आपको करना है, ओके,
सो क्लीनिंग, जैसे कि नॉर्मली मैंने बोला कि सैपलिंग स्टेज में ज़्यादा होता है, ओके. और इसमें जब आप परफॉर्म करोगे सैपलिंग में ही, तो वो हेल्प करेगा उस स्पीशीज को कि वो अच्छा डेवलप हो, स्ट्रेट डेवलप हो, और अच्छा मतलब उसका जो ब्रांच है, लाइक इट विल बी वेल ग्रोन, ओके, डेवलप इन अ स्ट्रेट एंड वेल ग्रोन पोल्स, ओके. सो दिस इज क्लीनिंग, ओके. और बहुत सारे इसके मेथड्स भी है, दैट आई गिव यू द नोट्स. इट्स नॉट दैट हार्ड, सिंपल है. तो मैं आपको नोट्स दूंगी मेथड्स ऑफ क्लीनिंग का. आई जस्ट मैंशन सम, के कुछ कुछ मैंशन करूँगी. जैसे कि क्लीनिंग मे बी डन इधर सेलेक्टिवली, मतलब सेलेक्टेड, लाइक चुन के, ओके, लाइक यू विल सेलेक्ट राउंड द स्टेम, ओके, फॉर्मिंग द फ्यूचर क्रॉप, इन विच इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव क्लीनिंग, ओके. और ओवर द होल एरिया डिपेंडिंग अपॉन द सिल्वी कल्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीशीज एंड कॉस्ट कंसिडरेशन. मतलब जो मेथड भी है क्लीनिंग का, ओके, पहला है जो सेलेक्टिव क्लीनिंग है, लाइक आप पहले देखोगे और चुनोगे कि कहाँ से आपको क्लीनिंग करना है. यू विल सेलेक्ट, ओके, फ्यूचर नीड को देखते हुए, ओके, लाइक कहाँ पर, लाइक हाउ यू वुड डू, राइट, फॉर्मिंग द फ्यूचर क्रॉप. ऑलराइट, सो पहला है सेलेक्टिव क्लीनिंग, के. और ये भी जो ये एरिया है आपका, ओके, जो सिल्विकल्चरल रिक्वायरमेंट है, आई होप यू नो व्हाट इज सिल्विकल्चर, राइट. तो जो सिल्विकल्चरल रिक्वायरमेंट है स्पीशीज का, और कॉस्ट कंसिडरेशन को देख के आप मेथड ऑफ क्लीनिंग परफॉर्म करते हो, ओके. सो जो कुछ फॉलोइंग ऑपरेशन है, ओके, कुछ ऑपरेशन है जो किए जाते हैं, ऑलराइट, इन क्लीनिंग. वो है, सबसे पहला है कटिंग बार्क ऑफ श्रब, ओके. श्रब को आप काटोगे, ओके, कटिंग बार्क ऑफ श्रब, ऑलराइट, एंड देन ग्रोइंग ऑफ सैपलिंग. और दूसरा है कटिंग बैक ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ इन्फीरियर स्पीशीज, जो भी इन्फीरियर या फिर कमज़ोर पार्ट्स है पेड़ का, उसको काटते हो ताकि बेटर स्पीशीज ग्रोथ हो. उसके बाद है जो भी माल फॉर्म है, जो कमज़ोर है, जो डिजीज पार्ट है ब्रांच का, उसको भी आप काटते हो. ऑलराइट, सो इसमें हाँ, और इवन क्लाइंबर्स कटिंग ऑल्सो, ओके. तो ये कुछ मेथड्स है क्लीनिंग के, ओके, ऑपरेशन मेथड है, ये ऑपरेशन टेंडिंग ऑपरेशन है, ओके. सो दैट इज कटिंग बैक ऑफ श्रब, कटिंग बैक ऑफ इन्फीरियर स्पीशीज, कटिंग बैक ऑफ डिजीज डिजीज स्पीशीज, ओके, जिसमें डिजीजेस है, जो पार्ट्स है प्लांट का, ब्रांच का, ऑलराइट, यू कट दैट. सो दीज आर सम ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जो क्लीनिंग में करते हैं, ओके. सो आई गिव यू द नोट्स ऑन दिस. मैं आपको इसमें प्रॉपर नोट्स दूंगी, आई गिव यू. सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देयर, ओके. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट थिनिंग. सो हम लोग ये डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में, ओके. So I hope you understand till there. So if you have any doubts, you can let me know. Okay? Please be free and let me know. Okay? So till then, take care.